नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुअर पालन के बारे में, यानी कि पिग फार्म के बारे में। और अगर आप लोग सुअर पालन का काम करना चाहते हैं तो एक बात मान लीजिए कि कमाई इसमें अच्छी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन को आपको समझना होगा। सबसे पहले अगर आप इसकी कैलकुलेशन को समझ गए तो दुनिया में कितना भी बड़ा फार्म आप इसका खोल लीजिए, कभी घाटा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उन वीडियोस को देखते रहे जिसमें बताया जाता है कि हमने ऐसा फॉर्म बना रखा है, इसमें इतने पंखे लगा रखे हैं, सुअर जो है हमारे इधर से इस बेड पे सोते हैं, उधर जंगले में सोते हैं, बच्चे यहां रहते हैं, उस वीडियोस में कुछ नहीं रखा। केवल मात्र सुअर फार्म की कैलकुलेशंस को समझना होगा। अगर आप कैलकुलेशन को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको कभी भी घाटा नहीं लगेगा। और रही बात किस्मों की, तो किस्में मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुअर फार्म की पूरी कैलकुलेशन जो है वो समझा देता हूं। तो हम बात करते हैं एक यूनिट की जिसके अंदर 10 फीमेल होंगी और एक मेल होगा। इनका एवरेज वेट अगर माने तो 100 किलो एवरेज वेट निकलता है। हमारे पास टोटल 11 हुए तो 1100 गुणा में 100, यानी कि हमारा आया 1100 किलो माल हमने खरीदना है, शुरुआत करनी है तब। अब एक किलो का प्राइस है 160 रुपए। अच्छा माल जो है उसका एक किलो का 160 रुपए के आसपास का प्राइस है। 160 गुणा में 1100 यानी 176,000 रुपए हमें पहले ही दिन खर्च करने होंगे तब जब हम सुअर खरीद के लाएंगे। उसके बाद में 3 महीने 24 दिन के बाद ये बच्चे देंगे, यानी 4 महीने के बाद ये जो सुअरी हैं 10 हमारे पास ये बच्चे देंगे। 4 महीने तक हमें इन्हें फीड करवाना होगा, तो उसके लिए 2.5 किलो फीड, जो एक 100 से 110 किलो का सुअर होता है उसका 2.5 किलो फीड रोजाना का खिलाना पड़ता है उसे। और वो फिनिशर फीड होता है 30 रुपए के आसपास, अच्छी कंपनी का फीड आ जाता है। तो 30 गुना में 2.5 यानी 75 रुपए का फीड रोजाना खिलाना है, और 4 महीने में 120 दिन हुए तो 75 गुना में 120 यानी कि 9,000 रुपए हमारा एक सुअर का खर्चा आ गया। हमारे पास हैं 10 फीमेल तो उनका हुआ 90,000, एक मेल वो बच्चे तो नहीं देगा लेकिन खिलाना तो उसे भी पड़ेगा, तो उसका हुआ 9,000 रुपए का, तो 99,000 रुपए का खर्चा हमारा आ गया फीड का अगले 4 महीने का। इसके बाद में जो बच्चे हुए वो एवरेज, वैसे 10-11 भी हो जाते हैं, किसी को 9 हो जाते हैं, किसी को 8 हो जाते हैं, लेकिन एवरेज अगर हम माने तो 8 बच्चे माने तो हमारे पास 10 फीमेल से 80 बच्चे आ जाएंगे। और अगले 45 दिन तक ये जो बच्चे हैं ये केवल मात्र मां का दूध ही पिएंगे और कोई खर्चा इनका नहीं है। तो अब कितने हो गए, अगले 1.5 महीने तक भी हम इन फीमेल्स को खाना खिलाएंगे तो हमारे पास एक मेल और 11 फीमेल हैं, 45 गुना में 75, तो 45 गुना में 75 यानी 75 रुपये रोजाना का फीड का खर्चा, और 45 दिन का है तो 3375 रुपये एक का आ गया खर्चा। हमारे पास 11 हैं, 11 गुना में 3375 यानी 37,125 रुपये हमारा अगले 45 दिन का खर्चा आ जाएगा। और इसके बाद में जो बच्चे हैं वो खाना शुरू कर देंगे। अब हम देखते हैं पर बच्चे के ऊपर हमारा कितना खर्चा आएगा और उसके हिसाब से हम निकालेंगे पूरी कैलकुलेशन। तो हमें इन्हें जो फीड देना होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक स्टार्टर होता है, एक ग्रोथ प्रमोटर के लिए होता है, एक होता है फिनिशर। जो स्टार्टर होता है वो हम तब तक देते हैं जब तक बच्चों का वजन जो है वो 17-18 किलो के आसपास नहीं हो जाता। 17 किलो का जब बच्चा होगा तब तक वो 20 किलो फीड खा चुका होगा मैक्सिमम। उसके बाद में जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर 90 किलो फीड खा चुका होगा और बच्चे का वजन 17 किलो से 60 किलो जो है पहुंच जाएगा। उसके बाद में हम इन्हें देना शुरू करेंगे फिनिशर फीड, जो होता है 75 किलो के आसपास, मैक्सिमम 75 किलो फीड लगता है। उसके बाद में जो बच्चा है वो 160 से पहुंच जाएगा 100 किलो या 110 किलो तक। तो ये इनका फीड है। अब कितना खर्चा आएगा, तो स्टार्टर की अगर हम बात करें उस टाइम हम हाई प्रोटीन वाला फीड खिलाते हैं जो 40 रुपए किलो आता है, बढ़िया कंपनी का, कंपनी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जाओगे सब पता चल जाएगा। तो 20 गुना 40 यानी 800 रुपए एक बच्चे का खर्चा हो गया स्टार्टर फीड के रूप में। दूसरा 90 गुना में 35, वो थोड़ा सा
इस ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, लेकिन हाँ उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़्यादा होता है, तो 35 रुपये किलो वाला फीड होता है वो हम खिलाएंगे, तो ये हो गया आपका 3150 रुपये खर्चा। उसके बाद में फिनिशर फीड जो है वो तो नॉर्मल जो हम खिलाते हैं 30 रुपये किलो वाला वही चलता है, तो 75 × 30 तो वो हो गया आपका 2250 रुपये का खर्चा। यानी कि एक बच्चे को हमें जिस दिन फीड खिलाना शुरू करना है उससे लेके उसे बेचने तक का जो खर्चा है वो हो गया 6200 रुपये। अब 6200 को गुणा कर लीजिए 80 से, हमारे पास 80 बच्चे हैं तो ये हो गए 4,96,000 रुपये का खर्चा हमारा जो है हो गया, और हमारे पास तैयार हो गया 8,000 किलो मीट, क्योंकि 80 बच्चे हैं, 100 किलो, 110 किलो, 115 किलो इसके आसपास वजन हो जाता है, एवरेज 100 किलो हो ही जाता है, तो हम मान के चल रहे हैं 80 × 100 यानी 8,000 किलो हमारे पास मीट तैयार हो गया। अब हम खरीद के लाए थे 160 रुपये के हिसाब से, तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम ज़्यादा बेचेंगे 80 बेचेंगे, क्योंकि 10 खरीद के लाए तो 160 लग गया, ज़्यादा बेचेंगे तो किलो का हमारा 150 रुपये किलो मिल जाएगा मीट का, तो हम सूअर को मतलब जिंदा को बेचेंगे तो वो 150 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगा, जब वो 150 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगा तो 150 × 8,000 किलो हमारे पास है, तो ये हो गए 12,00,000 रुपये। अब इसमें से हमें खर्चे निकालने हैं, तो पहला खर्चा निकालेंगे बच्चों के फीड का, स्टार्टर फीड, ग्रोथ प्रमोटर और फिनिशर, इसका आ गया 4,96,000 रुपये, तो हमारे पास पीछे बच गए 7,04,000 रुपये, 12 में से घटाए तो 7,04,000 रुपये। अब इसमें से आप काट दीजिए जितने दिन वो बच्चा दूध पी रहा था उतने दिन उसकी माँ को जो फीड खिलाया वो बच्चे में इंक्लूड कर लीजिए, तो हमारे पास 37,125 निकाल दिए तो बच गए 6,66,875 रुपये। अब आप लोग कहेंगे कि जब वो मादा गर्भवती थी तब भी हमने फीड खिलाया, वो खर्चा निकाल दीजिए 99,000 रुपये का, मेल भी था उसमें तो उनका निकाल दीजिए, तो हमारे पास बच गया 5,67,875 रुपये, तो ये हमारी हो गई कमाई। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर हमने सेड भी तो बनाया है, हमने वो बच्चे भी तो खरीदे हैं, तो सबसे पहले बच्चों का ही काट लीजिए, अगर हम बच्चों का भी काट देते हैं 1,76,000 रुपये तो हमारे पास बच जाते हैं 3,91,875 रुपये। ये हमारी एकदम स्पष्ट कमाई है, जो हम स्टार्टिंग में बच्चे क्या वो मतलब सुअर लाए थे उनका भी 1,76,000 काट दिया तो हमारे पास जो है 3,91,875 रुपये स्पष्ट कमाई बच जाती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर दवाई भी लगी थी, आदमी ने मेहनत भी की थी, कोई सेट भी बनाया था, हालांकि वो सब एक बार ही करना है, 1,76,000 जो बताए ये भी एक बार ही लगे हैं, बाद में ये बच्चे देते रहेंगे, वो भी अगर हम काटें 2,00,000 रुपये तो भी 1,91,875 रुपये स्पष्ट कमाई बच जाती है, एकदम स्पष्ट, एक छोटी सी यूनिट जो है 10 सूरों की यूनिट है उससे। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो है ये 7 महीने की कमाई है, यानी 1,91,875 रुपये प्लस 2,00,000 रुपये का सेड प्लस में 1,76,000 रुपये के सुअर, ये सारा का सारा आपके पास बच जाता है। लगभग ये जो चीज़ें हैं टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 5,67,875 के आसपास की तो आपके पास मटेरियल बच ही जाता है, कमाई प्लस वो सब चीज़ें। और ये जो फीमेल होंगी ये 7 महीने बाद दोबारा से बच्चों को जन्म देना प्रारंभ कर देंगी, मतलब 7 महीने में आपने बच्चे बड़े करके बेचे उतने में दोबारा बच्चे हो जाएंगे और फिर उनको बड़े करके बेच लीजिएगा, ऐसा सिस्टम होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब रही बात कि सर किसमें, तो किसमें एक तो इसमें लैंडरेस करके है और एक वाइट यॉर्कशायर है, तो बस ये दो जो हैं यही मेन आज के टाइम में चल रही हैं, और बाकी सुअर तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन चल यही रहे हैं। खैर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए ABC इंडिया, हमारी कुछ और वीडियोज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, इनको भी ज़रूर देखें और एग्रीकल्चर फील्ड की अच्छी नॉलेज आप ज़रूर लें, देखते रहिए।